हेलो क्लास नाइन्थ, आज हम बात करने वाले हैं परमाणु क्रमांक एक से लेकर परमाणु क्रमांक 20 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना, तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जिसमें पहले हम तत्व का नाम लिखेंगे। तो पहले में हम क्या लिखेंगे, तत्व का नाम। दूसरे में हम उस तत्व का प्रतीक क्या है। तीसरे में तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या है। और चौथे अंतिम कॉलम में हम लिखेंगे विन्यास। ठीक है ना, तो जैसे आपका जो पहला तत्व है वो है हाइड्रोजन। पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक H होता है, इसका परमाणु क्रमांक एक होता है। ठीक है ना, अभी हम पहले तत्वों के नाम लिख लेते हैं। दूसरा तत्व आपका आता है हीलियम। दूसरा तत्व आपका होता है हीलियम, जिसका प्रतीक एच ई होता है और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो दो होता है। तीसरा तत्व आपका आएगा लिथियम। तीसरा तत्व आपका होगा लिथियम, जिसका प्रतीक होता है एल आई और जिसका परमाणु क्रमांक तीन होता है। चौथा तत्व जो है वो आपका आएगा बेरिलियम। बेरिलियम, बेरिलियम तत्व का जो प्रतीक होगा वो होगा बी ई और इसका परमाणु क्रमांक होता है चार। ठीक है ना, पांचवे तत्व की ओर बढ़ते हैं। पांचवा तत्व आपका होता है बोरॉन, जिसका प्रतीक होता है बी और इसका परमाणु क्रमांक होता है पांच। छठे तत्व की ओर बढ़ते हैं। छठा तत्व आपका होता है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक, जिसका प्रतीक होता है सी और इसका परमाणु क्रमांक होता है छह। सातवां तत्व हम बढ़ते हैं, अगले तत्व जो सातवां है, सातवां तत्व आपका होता है नाइट्रोजन, जिसका प्रतीक होता है एन और जिसका परमाणु क्रमांक होता है सात। आठवां तत्व की ओर बढ़ते हैं जो कि है ऑक्सीजन, जिसका प्रतीक होता है ओ और इसका परमाणु क्रमांक होता है आठ। अब हम अपने नवे तत्व की ओर जाते हैं। नवा तत्व होता है फ्लोरीन, जिसका प्रतीक होता है एफ और इसका परमाणु क्रमांक होता है नौ। इसके बाद हमारा दसवां तत्व आता है, जो दसवां तत्व है वो है नियॉन, जिसका प्रतीक होता है एन ई और इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। ग्यारहवां तत्व आपका आता है सोडियम, जिसका प्रतीक होता है एन ए और इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। बारहवां तत्व है मैग्नीशियम। बारहवां तत्व आपका मैग्नीशियम है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है, जो प्रतीक है वो है एम जी और परमाणु क्रमांक इसका होता है 12। तेरवा तत्व आपका है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, जिसका प्रतीक होता है ए एल और इसका परमाणु क्रमांक होता है 13। चौदवा तत्व जो आपका है वो होता है सिलिकॉन, जिसका प्रतीक होता है एस आई और इसका परमाणु क्रमांक होता है 14। पंद्रवा तत्व आपका होता है फास्फोरस, जिसका प्रतीक होता है पी और इसका परमाणु संख्या होती है 15। सोलवा तत्व आपका आता है सल्फर, जिसका प्रतीक होता है एस और इसकी, इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है 16। सत्रवा तत्व जो आपका आता है वो होता है क्लोरीन, जिसका प्रतीक होता है Cl और इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। 18वां तत्व आपका, जो 18वां तत्व है वो है ऑर्गन, जिसका प्रतीक होता है Ar और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। 19वां तत्व आपका पोटेशियम होता है, जिसका प्रतीक के होता है और परमाणु क्रमांक 19 होता है। अंतिम जो 20वां तत्व है वो है कैल्शियम, जिसका प्रतीक होता है सी ए और इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है।
तो ये आपके प्रथम 20 तत्व हैं जिनके हम विन्यास लिखेंगे। तो ये ध्यान देना कि ये जो परमाणु क्रमांक होता है ये होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, परमाणु क्रमांक को ही हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। तो आपको पता है कि पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 होते हैं ना, और अंतिम कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं, ये परसों हमने आपको बताया था। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो कहां जाएगा, के कोश में। तो इसका हाइड्रोजन का विन्यास हो गया 1। अब हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 के 2 इलेक्ट्रॉन आपके के कोश में जाएंगे तो हीलियम का विन्यास हो गया 2। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के कोश में, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा एल कोश में, तो इसका विन्यास हो गया 2.1। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे के में और 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहां, एल में, तो इसका विन्यास हो गया 2.2। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गए 5 में से, 2 इलेक्ट्रॉन के में गए, 3 इलेक्ट्रॉन आपके एल में जाएंगे, तो इसका विन्यास हो गया 2.3। छठा तत्व जो आपका है कार्बन, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन के में गए, जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे, एल में। अब एल में जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक एल में जाते रहेंगे, जैसे यहां 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के में गए और 5 इलेक्ट्रॉन आपके एल में चले गए, तो इसका विन्यास हो गया 2.5। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन गए के में और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कहां चले गए, आपके एल कोश में। अभी एल कोश आपका पूरा नहीं भरा है, एल कोश कब भरेगा, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अब 9 इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन के पास, 2 इलेक्ट्रॉन गए के कोश में, 9 में से 2 गया 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, एल कोश में गए ना। अब नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए के कोश में, 8 इलेक्ट्रॉन चले गए एल कोश में, एल कोश पूरा भर गया। अब एल कोश में इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा नहीं जाएंगे। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के कोश में गए, 8 इलेक्ट्रॉन एल कोश में गए, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, वो गया कौन से कोश में, आपके एम कोश में, तो इसका विन्यास हो गया 2.8.1। अब जब तक इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, वैसे होते 18 हैं लेकिन अंतिम कोश में 8 से ज्यादा नहीं होंगे, तो पहले इसमें 8 होने देते हैं, कैसे, देखिए मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो 2.8.2, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है तो 2.8.3। सिलिकॉन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो 2 के में गए, 8 एल में गए, 10 हो गए, 4 आपके एम में जाएंगे। फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के कोश में गए, 8 इलेक्ट्रॉन एल कोश में गए, 5 इलेक्ट्रॉन एम कोश में चले गए। इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के कोश में गए, 8 इलेक्ट्रॉन एल कोश में गए और 6 इलेक्ट्रॉन जो बच गए वो एम कोश में चले गए। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के में, 8 एल में और 7 इलेक्ट्रॉन चले गए एम कोश में। ऑर्गन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो 2 गए के में, 8 एल में और 8 आपके कहां चले गए, एम कोश में। अब एम कोश भी भर गया है, हालांकि जो एम कोश है उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18, लेकिन हमने फिर कहा था कि अंतिम कोश में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। जैसे अगर हम पोटेशियम का विन्यास लिखें, पोटेशियम के पास 19 इलेक्ट्रॉन है, 2 गए के कोश में, 8 गए एल कोश में, 10 हो गए, बचे 9, तो यहां 9 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर अंतिम कोश में 9 लिख दें तो गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको हम फिर से, ये गलत है, हम इसको कैसे लिखेंगे, 2.8.8.1। तो पोटेशियम का जो विन्यास होगा 2.8.8.1, इसको आप जोड़ोगे 19 हो जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम का विन्यास 2.8, वैसे 10 होना चाहिए लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं, तो ये विन्यास गलत है। सही विन्यास क्या होगा, इस 10 को फिर से तोड़ेंगे हम, 2.8.8 कितने हो गए, 8 × 2 = 16, 2 = 18, 2। तो ये प्रथम 20 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं जो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। थैंक यू।